हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ 5 ऐसे रंगों की साड़ियाँ जो कि गोरी महिलाओं पे बहुत ही ज़्यादा जचती हैं। वैसे तो इन पे हर कलर जचता है, लेकिन मैंने 5 ऐसे कलर चूज किए हैं जिसमें वो और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है ग्रे कलर। ग्रे कलर एक ऐसा कलर है गाइज जो कि अगर आपका स्किन टोन लाइट है ना, तो आपके स्किन टोन के साथ इतना अच्छे से जाएगा ना, आप बहुत ही ज़्यादा प्रीटी दिखेंगी। अगर आपके पास हर कलर की साड़ी है, ग्रे कलर की नहीं है, तो एक ग्रे कलर की साड़ी आप ज़रूर परचेस करें। इसके अलावा दूसरे नंबर पे है मरून कलर, और ये कलर आपके पास होगा भी, ये भी लाइट स्किन टोन के साथ बहुत ही अच्छे से जाता है, आपकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा निखार देता है मरून कलर की साड़ी। तो मरून कलर की साड़ी भी आप अपने लिए ज़रूर परचेस करें। किसी भी वेडिंग पार्टी में आप पहनकर जा सकते हैं, किसी भी पूजा पाठ में पहनकर जा सकते हैं, अगर नई नवेली दुल्हन है तो भी आप पहन सकते हैं। तीसरे नंबर पे टील ब्लू कलर, आपका स्किन लाइट है तो भी आप ले सकती हैं और डार्क है तो भी ले सकती हैं। टील ब्लू कलर भी बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगता है, तो इस कलर की साड़ी भी आप ले सकती हैं किसी भी वेडिंग पार्टी में पहन कर जाने के लिए। पूजा पाठ में भी आप पहन सकती हैं, टील ब्लू कलर है तो पूजा पाठ में भी पहनने में कोई इशू नहीं है। इसके अलावा चौथे नंबर पे है ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर तो सभी का फेवरेट होता है, तो अगर आपका स्किन टोन लाइट है तो आप ब्लैक कलर की साड़ी ले सकती हैं किसी भी नाइट पार्टी में पहन कर जाने के लिए, डे पार्टी में पहन कर जाने के लिए, और डेली पहनने के लिए भी आप इस टाइप की सस्ती साड़ी ले सकती हैं, प्रिंटेड इस टाइप की नेट की साड़ी ले सकती हैं पार्टी फंक्शन में पहनने के लिए। पांचवें नंबर पे है बॉटल ग्रीन कलर, और ये कलर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो आप बॉटल ग्रीन कलर की साड़ी भी ले सकती हैं अगर आपका स्किन टोन लाइट है तो। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। गाइज, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूल जाते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। सो गाइज, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।